कर दिया सर। सर थैंक यू सो मच। अच्छा जी अब देखिए हमारे पास क्या है, जो टॉपिक है अब देखिए हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो रोल ऑफ जिप्सम इन के, यानी क्या होगा एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, बायो का टॉपिक है। रोल ऑफ क्या हो जाएगा कि जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री और या एग्रीकल्चर के अंदर जिप्सम का क्या रोल है, ये हमने क्या करना है देखना है। द टाइप ऑफ रोल इज प्लेस बाय रोल ऑफ जिप्सम, द टाइप ऑफ द रोल इज प्लेस बाय जिप्सम इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के अंदर जिप्सम का क्या रोल है वो हमने क्या करना है देखना। यहां से तीन चार शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, एक्सरसाइज में भी गिवन है और ये आते भी हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं ये। इज इट क्लियर? यस सर। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं जो के आते हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं जो के क्या किए जाते हैं, ये आते हैं। अब आपके पास ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा रोल क्या करता है, प्ले करता है जिप्सम, द टाइप ऑफ रोल इज प्लेस बाय द जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड एज वेल एज क्या हो जाएगा एग्रीकल्चर के अंदर और किसके अंदर, यानी किस तरह का रोल क्या करता है प्ले करता है जिप्सम, जिप्सम किस तरह का रोल क्या कर रहा होता है प्ले कर रहा होता है इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर, यानी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के अंदर। पहले तो ये देखेंगे व्हाट इज जिप्सम, जिप्सम है क्या या व्हिच इज, यानी क्या होगा व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर जिप्सम, ये केमिकल फार्मूला क्या है जिप्सम का, केमिकल फार्मूला जिप्सम का क्या है ये हमें क्या करना है देखना है, यानी केमिकल व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर जिप्सम, के जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या है या जिप्सम का किस तरह से और किस तरह के मिनरल्स ये क्या करता है प्रोवाइड करता है ये हमने क्या करना है देखना है। तो पहले जिप्सम का अगर फार्मूला देखा जाए तो जिप्सम यानी इसका फार्मूला देखा जाए तो क्या कहेंगे, इसका दूसरा नेम है डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट इज द फार्मूला फॉर क्या हो जाएगा जिप्सम के, डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम यानी क्या होगा सल्फेट फॉर्मूला है किस चीज का जिप्सम का, डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट इज अ फॉर्मूला फॉर जिप्सम। अब क्या होगा इसका दूसरा नेम है डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, अब फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा CaSO4 हो जाएगा 2H2O, इट इज अ फॉर्मूला फॉर जिप्सम, ये जिप्सम का क्या होगा फॉर्मूला होगा। अब जिप्सम का ये क्या है फॉर्मूला है यानी किस तरह से CaSO4 2H2O ये क्या होगा जिप्सम का क्या होगा फॉर्मूला होगा। अब जिप्सम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सुनेंगे जिप्सम कैन बी एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म, ये जिप्सम दो फॉर्म के अंदर क्या करता है एग्जिस्ट करता है। अब वो दो फॉर्म कौन सी है, जिप्सम इज एक्चुअली अ मिनरल, ये क्या होगा मिनरल होगा, इट कैन एग्जिस्ट इन अ टू डिफरेंट फॉर्म, ये दो डिफरेंट फॉर्म के अंदर क्या करता है एग्जिस्ट करता है, इन अ फ्री फॉर्म यानी क्या होगा या एनहाइड्रस फॉर्म, इन एनहाइड्रस फॉर्म एंड सेकेंड वन इज द हाइड्रेटेड फॉर्म, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एनहाइड्रस फॉर्म में भी और हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर भी क्या करता है एग्जिस्ट करता है एनहाइड्रस फॉर्म एंड हाइड्रेटेड फॉर्म। अगर एनहाइड्रस फॉर्म देखा जाए तो क्या होगा CaSO4 यानी क्या होगा दैट इज द फॉर्मूला फॉर एनहाइड्रस यानी क्या होगा कैल्शियम सल्फेट, और अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में देखा जाए तो CaSO4.2H2O इट इज द फॉर्मूला या हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ जिप्सम, के ये जिप्सम की क्या होगी हाइड्रेटेड फॉर्म क्या की जाती है कंसीडर की जाती है। इज इट क्लियर? अब जिप्सम क्या है इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसको 250 इयर्स हो गए हैं एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हुए, यानी 250 इयर्स से ये एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर, एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर क्या हो रहा है एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर, फील्ड के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी जिप्सम इज द इंपॉर्टेंट मिनरल विच कैन बी यूज इन द एग्रीकल्चर फील्ड, जिसको हम एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं इन टू डिफरेंट फॉर्म, यानी वो हाइड्रस फॉर्म में भी हो सकता है एनहाइड्रस फॉर्म में भी हो सकता है। तो जिप्सम कैन बी एडेड इन द एग्रीकल्चर इन टू डिफरेंट फॉर्म, वन इज इन देयर एनहाइड्रस फॉर्म एंड सेकेंड वन इज इन देयर क्या हो जाएगा हाइड्रेटेड फॉर्म। अगर जिप्सम को देखा जाए इधर देखें, यानी अगर जिप्सम को देखा जाए ये कौन से किस तरह से
यानी किस तरह से एग्रीकल्चर में कौन से मिनरल प्रोवाइड करता है, मिनरल प्रोवाइडेड बाय जिप्सम, मिनरल प्रोवाइडेड बाय जिप्सम, कि जिप्सम कौन से मिनरल क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। अब क्या किसी को तू अर्थ को या जमीन को कौन सी तरह के, यानी क्या करता है एग्रीकल्चर लैंड को किस तरह के मिनरल्स क्या कर रहा होता है, जिप्सम प्रोवाइड करता है, यानी जिप्सम प्रोवाइड विच टाइप ऑफ द मिनरल टू द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को जिप्सम किस तरह के मिनरल्स क्या कर रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी विच टाइप ऑफ द मिनरल इज प्रोवाइडेड बाय द जिप्सम, जिप्सम किस तरह के मिनरल प्रोवाइड करता है। देखिए जिप्सम में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक चीज क्या होगी, दैट इज द कैल्शियम, जिप्सम के फॉर्मूले में एक इंपॉर्टेंट थिंग है कैल्शियम। देखिए वाटर को मैं वैसे देना पड़ता है, ऑक्सीजन भी वैसे वाटर में मौजूद है, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज ऑफ क्या हो जाएगा, सल्फर। पहली क्या होगी, कैल्शियम, कैल्शियम क्या यूज किया जाता है, और दूसरा क्या किया जाता है, सल्फर क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब कैल्शियम और सल्फर दीज आर द टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय द जिप्सम, दीज आर द टू डिफरेंट मिनरल विच इज प्रोवाइडेड बाय द जिप्सम, जो क्या करता है जिप्सम प्रोवाइड करता है टू द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को ये दो फॉर्म के अंदर जिप्सम क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब देखना यह है, अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर रिक्वायरमेंट कितनी है, 23.3%, ये बुक में नहीं होगा, 23.3% ऑफ कैल्शियम इज रिक्वायर्ड टू द एग्रीकल्चर फील्ड, और सल्फर, सल्फर इज रिक्वायर्ड टू द एग्रीकल्चर फील्ड अप टू द 18%, 18.6% क्या हो जाएगा, यानी 6% तक ये क्या होता है, रिक्वायर होता है 18.6% तक जिप्सम, यानी क्या होगा, सल्फर प्रोवाइड करेगा, जिप्सम provide calcium and sulfur to the agriculture field, and the gypsum which is yani calcium which is provided by the gypsum is 23.3%, and ye kya hoga, sulfur which is provided by the gypsum is 18.6%, ki ye 18.6% kya kiya jata hai, provide kiya jata hai, is it clear? Yes sir. Ab objective aata hai ki gypsum kis field mein zyada istemal kiya jata hai, in which field, in which field, objective aati hai, in which field gypsum is provided, in which field gypsum is provided, ki kis field ke andar gypsum kya ki jati hai, provide kiya jata hai, in which field gypsum is provided, option A is, agar dekha jaye to kya ho jayega, yani after yani nutrients deficient field, ya phir agar iska waise main kahun kya answer kya banega, that is the leaching field, leaching, extensive leaching land, extensive leaching land के अंदर gypsum, अब leaching का process क्या है, leaching का process ऐसा है कि the land where the nutrient deficiency take place, कि जहां पे nutrients की deficiency हो, वो land जिसके अंदर क्या मौजूद हो, nutrients की deficiency क्या हो जाए, मौजूद हो, वहां पे क्या किया जाता है, उस land को क्या कहते हैं, leaching land कहा जाता है। तो gypsum हमेशा किस field के अंदर अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ सल्फर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ सल्फर इन एग्रीकल्चर, सल्फर की एग्रीकल्चर के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन पॉइंट में ऐड कराऊंगा, आप लोगों ने उसके अंदर ऐड करना है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन ऐड कराऊंगा, क्वेश्चन चीजें ऐड कराऊंगा, आप लोगों ने बुक के ऊपर क्या करने लिखनी है, यहाँ पे बुक के अंदर ये लिखी हुई, ठीक है। अब पहला क्या किया जाएगा, सल्फर यानी क्या किया जाएगा, इट इज अप्लाइड फॉर द प्लांट ग्रोथ, अप्लाइड फॉर प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट ग्रोथ के लिए क्या होगा, रिक्वायर होगा, इट इज रिक्वायर फॉर प्लांट ग्रोथ। अब प्लांट के किन हिस्सों के लिए रिक्वायर होता है ये हम देखते हैं, यानी फॉर विच टाइप ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज रिक्वायर्ड। अब प्लांट के अगर पार्ट को देखा जाए तो प्लांट की ग्रोथ के अंदर, अब वो ग्रोथ किन पार्ट के अंदर होती है, द पार्ट इज लीव्स, ये लीव्स के पार्ट के अंदर भी क्या करता है,
ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व होता है, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रूट सिस्टम डेवलपमेंट. ये रूट्स की डेवलपमेंट के अंदर भी, रूट सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर भी क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है. तो क्या कहेंगे, यानी प्लांट की ग्रोथ के लिए अब क्या कहेंगे, द जिप्सम इज प्रोवाइडेड टू द प्लांट. जिप्सम क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाता है प्लांट को, किसको जाता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए. अब प्लांट की ग्रोथ के लिए अगर देखा जाए तो जिप्सम क्या होता है, लीव की ग्रोथ के लिए क्या होता है, रिक्वायर होता है. अब किस वजह से, लीव के अंदर ये क्लोरोफिल की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है. इज इट क्लियर, लीव के अंदर ये किसकी सिंथेसिस को इंक्रीज करेगा, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल यानी जिप्सम इज प्रोवाइडेड इन द प्लांट, प्लांट के अंदर प्रोवाइड किस चीज के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल. तो ये क्लोरोफिल की डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाएगा. इट इज रूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाता है, यानी क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा. यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सल्फर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, सल्फर यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. से सल्फर क्या किया जाता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब ग्रोथ ऑफ प्लांट में कहां पे इस्तेमाल किया जाएगा, अगर देखा जाए ग्रोथ ऑफ प्लांट के अंदर, तो सल्फर डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल करता है. फिर आगे देखें क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव बनती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट काज द, यानी क्या हो जाएगा, पेल येलोइश ऑफ या पेल ग्रीन लीव डेफिशिएंसी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डेफिशिएंसी काज द पेल येलो. अगर डेफिशिएंट हो जाए सल्फर, सल्फर क्या हो जाए, डेफिशिएंट, डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर हो जाए, और डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर से लीव हो जाती है, यानी पेल ग्रीन कलर के हो जाती है, पेल ग्रीन कलर के हो जाती है. अब इस पेल ग्रीन कलर के लीव का होना ये इंडिकेट करेगा कि सल्फर क्या होगी, डेफिशिएंट होगी. अब उस यील्ड को या उस क्रॉप के अंदर क्या हमने ऐड करना है, सल्फर क्या करना है, ऐड करना है. इज इट क्लियर, यस सर, यस सर. यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? अब सल्फर क्या करेगा, इट इज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूट सिस्टम. रूट सिस्टम की डेवलपमेंट के अंदर क्या जाता है, इस्तेमाल होता है कैसे, अब ये रूट्स को इनलार्ज करता है. रूट्स को क्या करेगा, इनलार्ज कैसे, रूट्स के ग्रोथ के लिए, रूट्स की ग्रोथ रिक्वायर है. ग्रोथ के लिए सल्फर क्या होता है, नेसेसरी होता है, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल द सल्फर इज नेसेसरी. सल्फर क्या होगा, नेसेसरी. देखिए अब आपके उसके अंदर लिखा होगा बुक के अंदर कि सल्फर क्या किया जाएगा, इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन. लिखा हुआ है, यस यस सर, यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व होता है. अब कैसे, अगर आप देखिए सेकेंड ईयर के अंदर 20 चैप्टर बायो, बायो के 20 चैप्टर के अंदर लास्ट से पहला क्वेश्चन ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा. अगर ट्रांसलेशन के प्रोसेस में देखिए क्या होगा कि डीएनए, इधर देखिए ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनाया जाता है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है. क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है. अब आरएनए से क्या सिंथेसाइज की जाती है, आरएनए इज यूज्ड टू सिंथेसाइज द प्रोटीन. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन. याद करें आपने इसे मैट्रिक के अंदर चैप्टर नंबर 13 के अंदर भी पढ़ा, बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर, डीएनए से बनना दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन का बनना दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. अब इस आरएनए से प्रोटीन जब बनती है, देन रखिएगा प्रोटीन के लिए जो फर्स्ट अमाइनो एसिड चाहिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए फर्स्ट अमाइनो एसिड जो चाहिए, वो फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन से होंगे, ये हम देखते हैं. वो फर्स्ट अमाइनो एसिड आपके पास मैथियोनीन होता है, मैथियोनीन. अब उस मैथियोनीन को क्या कहते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड. क्या कहा जाता है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड. इट मीन क्या है कि सल्फर इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. मैंने आपको क्लियर कर दिया कि प्रोटीन की सिंथेसिस कब होगी, ये क्लियर किया. कैसे किया मैंने क्लियर, मैंने कहा कि डीएनए से आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनती है,
प्रोटीन बनती है। अब डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से जब भी प्रोटीन बनती है उस प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो पहला अमाइनो एसिड चाहिए होता है, वो पहला अमाइनो एसिड क्या होता है, मेथियोनीन होता है, और उसका वो क्या होगा, सल्फर कंटेनिंग है। बाकी भी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड और हैं दो, कौन से, एक होता है सिस्टीन और एक होता है सिस्टीन के बाद सिस्टाइन। दीज आर द टू डिफरेंट अदर अमाइनो एसिड दैट कंटेन सल्फर एंड यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर? यस। किसी का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैं पूछ लूं? यस पूछ लें। चले नहीं, हम फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, उसके बाद मैं पूछूंगा आप लोगों से। ठीक है? यस, पहले भी ठीक था। अच्छा जी, पहले भी ठीक था, मुझे पता है। हाँ जी, अब देखते हैं आपके पास क्या है, कि रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री। सेकंड, पहला हमने पढ़ा रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर रोल पढ़ा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री, रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री, कि जिप्सम का इंडस्ट्री के अंदर यानी क्या रोल होगा, हमने ये देखना है। रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री, रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री। अजीम, आपको समझ आ गई बेटा? यस सर। हाँ जी, नुमैर एंड नोमान। नोमान, नोमान इज हियर। अच्छा जी, अगर देखा जाए रोल ऑफ जिप्सम इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के अंदर रोल ऑफ जिप्सम देखा जाए, तो जिप्सम के दो रोल हैं। अब सुनेंगे, पहला क्या है, जिप्सम के